establishment of Grameen banks and cooperative societies, ensure availability of cheaper credit facilities, loans, cheaper credit facilities, for farmers, government supported agencies purchased food grains directly from farmers to protect themselves from intermediaries, dalals. Any example? Yes. Simranpreet, any example? Which agency, government supportive agency, which is purchasing food grains from farmers, which is responsible for a distribution of such food grains to the ration shops among the poorers? Very good girl. FCI, Food Corporation of India. गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज हैं फार्मर्स से एमएसपी फेयर प्राइस पे फूड ग्रेन्स परचेज करते हैं कि वो दलाल करते थे पहले वो लो रेट्स में परचेज करते थे और हाई रेट्स में मार्केट में बेचते थे उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई ठीक है ना एफसीआई का रोल क्या है ये फूड ग्रेन्स परचेज करती है फेयर प्राइस पे और उन्हीं फूड ग्रेन्स को थ्रू पीडीएस सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन शॉप्स के थ्रू पूरे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ठीक है ना 2 rupees पर केजी व्हीट एंड राइस 3 rupees It's only for the yellow and blue card holders, which are under, Hanji, personally, कौन? हर कोई नहीं करता ना? चलिए, Food Corporation of India, example, Food Corporation of India, government organizes agricultural fairs and crop competitions through which it aware farmers regarding new methodologies associated with agriculture. Government organizes the agricultural fairs and crop competitions to introduce new methodologies among farmers. Next, special weather bulletins. You all are possessing the TV, television, LED. So special weather bulletins. Bulletins and agricultural programs telecast through radio and television TV. Any example? Weather bulletins and agricultural programs telecast through radio and TV. आपका regional channel जलंधर उस पे आता है daily. 5:30 DD Jalandhar. Very good. Mera pind, mere khet. SIDD 1 mein aata hai daily 6:30. If you have any problem associated with the pet animals, animals se related hai, dairy farming, poultry farming, fishing, agriculture, you can ask question through the helpline. Helpline number is a 1551. 1551 and the name of a program is a Krishi Darshan. Daily, Monday to Saturday, 6:30, early morning. Except them, you are utilizing the cell phones. You are more aware about them. Can you give me the name of any of our app which has gives the information related with the gardening, agriculture?
यस आप फोन यूज करते हैं, आप कह रहे हैं ना आप टीवी इतना नहीं देखते हैं, फोन तो यूज करते होगे, बताओ एनी ऑफ अ ऐप विच हैज गिव्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद एग्रीकल्चर. यस एनीबडी. प्लांटिक्स PLANTIX गवर्नमेंट सपोर्टिव. एक और है हरियाली, अगर आप प्लांट्स परचेज करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, हरियाली रजिस्टर करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लांट्स मिल जाएंगे फ्रॉम द लोकल नर्सरीज. क्लियर मिस्टर बजाज? चलिए आगे चलते हैं. गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स मंडीज, मार्केट्स और मंडीज विच आर कनेक्टेड कनेक्टेड विद विलेजेस थ्रू रोड्स, कनेक्टेड विद विलेजेस थ्रू रोड्स हाउ मेनी हैव डन? वन मोर. ई चौपाल, ई हाइफन चौपाल, CHOUPAL, ई चौपाल, ई चौपाल थ्रू विच पंचायत्स आर रिस्पॉन्सिबल, विलेज पंचायत्स आर रिस्पॉन्सिबल टू अवेयर फार्मर्स, टू अवेयर फार्मर्स फॉर वेरियस क्रॉप्स कॉमा देयर वेराइटीज कॉमा देयर इरीगेशन टाइम कॉमा फर्टिलाइजर्स कॉमा एटसेट्रा. वेरियस क्रॉप्स देयर ब्रीड्स वेराइटीज एटसेट्रा वेराइटीज एटसेट्रा. नाउ टेक्निकल रिफॉर्म्स. हाँ जी किसकी? अच्छा ई चौपाल, आपको कहा वैरायटीज के बारे में. अ नंबर ऑफ वैरायटीज विच आर सुटेबल फॉर अ प्रोडक्शन इन अ पंजाब लाइक सोनालिका, लाइक पूसा वन पूसा टू इन अ पार्ट्स ऑफ अ पंजाब सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, सॉरी राइस, सॉरी व्हीट व्हीट सोनालिका. तो किस एरिया में कौन सी ब्रीड या वैरायटी की क्रॉप विच कैन बी एज अ पॉसिबल टू प्रोड्यूस, एट व्हाट टाइम द फार्मर्स दे हैव टू सोइंग द क्रॉप और स्टार्ट इरिगेटिंग अ लैंड. क्या देखा? सोनालिका इज अ नेम ऑफ अ सीड. नो इट्स ऑल्सो नेम गिवन टू द सीड. चले आगे. थैंक यू. ई चौपाल, विलेज पंचायत रिस्पॉन्सिबल टू अवेयर फार्मर्स अबाउट द सच सर्विसेज. क्या वेराइटीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर? ई चौपाल कंप्लीट वर्ड है, इट हैज कनेक्टेड विद द इंटरनेट. ई हाइफन चौपाल, हाइफन ही समझ आया? लो बजाज. सो टेक्निकल रिफॉर्म्स. Assured irrigation facilities, assured irrigation facilities through tube wells and canals, through tube wells and canals so Mr. Bajaj, there are three of canals which are obtained from the Satluj. One is a SYL Satluj Yamuna link canal, except this rest of the tube. क्या आप उत्तर देंगे? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये आंसर ढूंढ रहे हैं. सेकंड, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू स्टोरेज फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज. थर्ड, यूज ऑफ HYV सीड्स, high yielding varieties of seeds,
high yielding varieties of seeds. It is an example of a genetically modified seeds. Genetically modified seeds. Next, timely application of chemical fertilizers and manures, and three of the canals are obtained through the Satluj. One as SYL to link your Satluj with Yamuna, supply water to a Delhi. Second as a Indira Gandhi canal, which irrigating a land of a Rajasthan. Third canal, which has basically used in a parts of a southwestern Punjab and Haryana. Very good boy. Sarhind canal, SIRHIND. Chaliye aage chalte hain. So technical reforms. Mechanization of agriculture, etc. Technical reforms. Now the last topic of chapter, globalization. This year, CBSE introduced in agriculture, globalization and Indian agriculture. Globalization. Books mein nahi hai. Syllabus mein mark kiya hua hai. Globalization refers to interconnection between world economies for import and export of goods and services. Globalization refers to interconnection between world economies for import and export of goods and services. Goods and services. This concept of globalization evolved in British age when Britishers exported raw cotton, indigo, opium, tea, chai, bajaj, TEA, tea towards European countries and sold manufactured goods like cotton clothes in Indian markets. That's it. That's what we will do on tomorrow.